अब जो मैं बताने जा रही हूं ना, वो अगर आप नहीं करते हैं या वैसा ही लगातार आपकी बैड हैबिट अपनी लाइफ में चालू है, तो कभी भी आपको कितना भी अच्छा न्यूट्रिशनल फूड दे दिया जाए, कितने भी अच्छे वैद्य को बुला लिया जाए आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आप सेहतवान नहीं रह पाएंगे। आपकी सेहत हमेशा बिगड़ते ही चले जाएगी। आई नो आप बहुत ज़्यादा इस समय क्यूरियस होंगे, यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर सही नहीं है तो मैं ज़रूर बीमार पड़ने वाली हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो न्यूट्रिशनल फूड से भी ठीक नहीं होगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सारे धन दौलत के बाद भी सही नहीं किया जा सकता। तो चलिए मैं चरक संहिता से आपको एक श्लोक बताती हूँ। संहिता में चरक ऋषि लिखते हैं, विषादो ही रोगा नाम वर्धनम अपि श्रेष्ठम। थोड़ी सी संस्कृत है, हिंदी में बताती हूँ, उसका मतलब होता है विषाद। विषाद मतलब दुख मनाना। जो दुख मनाना है, दुख मनाने की जो आदत है, ये सबसे बड़ा कारण है बीमारियाँ अट्रैक्ट करने का और बीमार बने रहने का। और अगर आपकी आदत है दुख मनाते रहने की, किसी भी चीज़ की, चाहे पास्ट की चीज़ हो या फ्यूचर को लेके आप चिंतित हो, या आपके प्रेजेंट लाइफ में कोई इश्यू है और उसको लेके आप बहुत दुख मनाते हैं, तो आपकी बीमारियां बढ़ेगी। ऐसा मैं नहीं, चरक ऋषि कहते हैं, और आज नहीं कई साल पहले ये हमारे भारतीय संस्कृति में लिख के चले गए वो। लेकिन हम इस बात को कभी ध्यान ही नहीं देते कि सारी चीज़ें करने के साथ साथ खुश रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो बहुत बीमार पड़ेंगे और बीमार बने रहेंगे। राइट, यू नो व्हाट, चरक ऋषि ने, सुश्रुत ऋषि ने, अष्टांग हृदयम की अगर हम बात करें, वाग्भट जी ने भी उसमें लिखा है कि जो इम्पोटेंसी होती है, इनफर्टिलिटी होती है, ये सबका कारण भी कहीं ना कहीं दुखी रहना है। जब एक स्त्री या एक पुरुष बहुत दुखी रहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी नहीं पाते हैं, एकदम संतुष्ट नहीं होते हैं अपने लाइफ में, अपने रिश्तों में, तो ही उनके लाइफ में ज़्यादा बीमारियाँ, ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें। जो आप बार बार अपने आप को दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, ये कभी नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल भगवान ने मुझे ही इसके लिए क्यों चुना, तो याद रखिएगा जो बुरा हुआ वो तो हुआ ही हुआ, आगे आप और बीमारियों को अट्रैक्ट करके और बुरा कर रहे हैं। तो अपने लाइफ में अच्छे चीज़ों को निमंत्रण दें, दुखी रहना बंद करें, दुख को एंजॉय करना बंद करें। एक बात तो हम और आप सोच ही सकते हैं ना, कि अगर हम पास्ट में जी रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि यार इससे भी बुरा पता नहीं कितने लोगों के साथ हुआ है, और आप देखिएगा वो दुख भरी जो कहानी आप सुना रहे थे वो अचानक बंद हो जाएगी। और अगर प्रेजेंट लाइफ से आप परेशान हैं तो बस ये सोच लीजिएगा कि ये समय भी गुजर जाएगा और आपका दुख सुख में बदल जाएगा। और हाँ, अगर फ्यूचर से संबंधित परेशानी है तो मैं कहूँगी कि फ्यूचर तो कभी भी अनसर्टेन ही है, कभी भी आप नहीं जानते कि अगला पल कैसा होगा, अगला दिन कैसा होगा। तो फ्यूचर के विषय में तो ज़्यादा सोचना बेकार ही है। किया ये जा सकता है कि हम अच्छी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, और जब आप अच्छी कल्पना कर लेंगे फ्यूचर की, तो आपकी दुख भरी जो कहानी है वो बीत जाएगी और आप खुश रहना चालू कर पाएंगे। और जब खुश रहेंगे ना, तभी आपका खाना पीना सही से पचेगा, सही से अंग लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस का रोल, आपके इमोशंस का इन्फ्लुएंस, आपके इमोशन का प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर कहीं शरीर में पड़ता है तो वो पड़ता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब भी आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, अच्छा आप सोचिए, किसी की, आप सबने इस सारी चीज़ों को देखा होगा, आपके लाइफ में हुई होगी ये सारी चीज़ें, कि घर में जब किसी की मौत हो जाती है तो क्या खाना पीना उस दिन हजम होता है अच्छे से, क्या खाना खिलाता है? तो सोचिए, ऐसे ही अगर हम अपने अंदर एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, रोज दुख भरी संगीत अपने अंदर चालू करते हैं, तो आपको नहीं लगता आप बीमार बने रहेंगे? तो और ये देखिए, ये साइंस भी आज मानता है कि 90 to 95% बीमारियाँ साइकोसोमेटिक है, मतलब मन से शरीर में आई हुई है। और मन से शरीर में किस कब बीमारी आएगी? जब आप दुख को एंजॉय करेंगे, जब आप दुखी रहेंगे। यू नो व्हाट, डर भी किसी को तभी खाता है जब वो पास्ट की चीज़ों को याद करता है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, आगे न हो जाए, तो वो भी फिर उसके शरीर को बीमार करता है। राइट, तो अगर स्वस्थ रहना है तो पहला नियम है खुश रहना चालू कर दें। जो हो गया सो हो गया, जरूरी नहीं कि आगे होगा। और अगर हुआ भी तो आप इतने सक्षम हैं, जब पहले लड़ लिया तो आगे भी लड़ लेंगे। राइट,
तो खुश रहना चालू करें, क्योंकि विषादो ही रोगानाम वर्धनम अपि श्रेष्ठम, जैसे चरक ऋषि ने कहा है, दुख मनाना ही रोग बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। तो पहले खुश रहिए और फिर जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो सब लगेगा। और अगर दुखी दुखी रह के आप खाना पीना खाएंगे, कितना भी अच्छा च्यवनप्राश खा लें, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशनल पाउडर पी लें, प्रोटीन ड्रिंक पी लें, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से वेस्ट ही होगा, राइट? तो खुश रहें और खुशी खुशी खाना खाएं, खुशी खुशी रहें, तो उससे सारी चीज़ें अच्छी होगी, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी, आपकी सेहत में भी चार चांद लग जाएंगे।